अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं पाइनएप्पल सोफले और इसमें डलेगी एक पैक क्रीम और उसके अलावा 6 to 7 टेबलस्पून शुगर के, जितना आप पसंद करते हो। आप इससे ज़्यादा अगर पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट इसके अंदर 10 डलेगा तो पाइनएप्पल का, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी स्वीट नहीं करना है आपने इसे। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है शुगर डाल दी है और उसे अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करना है ऐसे कि शुगर के क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके मुंह में ना आए। और इसे चाहे तो आप कैस्टर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट ये इस तरह ऐड करनी है। और हाफ कप मिल्क ऐड करना है। हाफ कप मिल्क ऐड करने के बाद इसे आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये यहाँ मैं अच्छी तरह इसे मिक्स कर रही हूँ। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए और देखिए आप बिल्कुल चीनी के कोई क्रिस्टल्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे। यहाँ मैंने एक पूरा टिन पाइनएप्पल का लिया है और उसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अगर क्यूब्स में है तो थोड़े आप छोटे कर लें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चंक्स जो है वो मुँह में आएँ तो वो इस तरह भी नहीं अच्छे लगते, छोटे क्यूब्स में कर लें। ये है मैंगो जेली। मुझे पाइनएप्पल जेली चाहिए थी, वो नहीं मिली तो मैंने मैंगो जेली ही ऐड कर दी है। जेली बनाने के बाद इसमें 2 जेलीज इस्तेमाल होंगी, 2 पैकेट जेली के। और वो जेली इस्तेमाल करने जेली बनाने के बाद आपने इसको इस तरह करना है कि अच्छी तरह बीट कर लेना है फोक से, और फिर उसे फोक से बीट करने के बाद जेली को ऐड करना है। ये मैं जेली को ऐड करके मिक्स कर रही हूँ, और इसे मिक्स करने के बाद आपने फ्रीज़र में रखना है 5 to 6 आवर्स, या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और आप इसे खाएंगे तो ये आपको बहुत ही यम लगेगा।